स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक, और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जैसी की उम्मीद थी, ये मुकाबला कांटे का होगा। इस मुकाबले के अंदर चिंगारियां निकलेंगी और देख लीजिए अब तक की स्कोर लाइन। तीन डिफेंडर थे, श्रीकांत जाधव लौटना चाहते थे लेकिन संदीप नरवाल ने उन्हें लौटने नहीं दिया। जबरदस्त टैकल, गो गोवा शामिल किया गया है जो कि समय लेफ्ट कॉर्नर में रोहित बालियान के साथ खड़े हैं। सुरेंद्र अकेले हैं और अगर सुरेंद्र के पास श्रीकांत जाधव जाएंगे, मौका मिल गया। रोहित बालियान ने बढ़िया टैकल किया, लगातार दूसरा सुपर टैकल। सुपर टैकल, 2 points, यू मुंबा। यू मुंबा की डिफेंस के लिए छठा पॉइंट है। रोहित बालियान टीम के मेन रेडर दिखा रहे हैं अपने कोच संजीव बालियान को कि वो कितने उपयोगी खिलाड़ी हैं। दोनों एंकल्स इनकी जोन में आए, परफेक्ट टाइम से रोहित ने डाइव लगाई और एंड तक पैर छोड़े नहीं। संदीप और फजल मेन डिफेंडर ये भी प्रभावित हो गए अपने रेडर का डिफेंस देखकर। अगर यू मुंबा आगे है तो सारा का सारा अंतर डिफेंस ने क्रिएट किया है, दो सुपर टैकल्स ने। यूपी 4-8 पॉइंट यहां बराबर है लेकिन टैकल में पीछे है, तो यू मुंबा की डिफेंस उनको मैच में आगे रखे हुए है। यानी कि ये मुकाबला भी अब तक डिफेंडर्स के नाम था। वन पॉइंट यूपी होता। और यहां ऋषांक देवाडी का एक बेहतरीन पॉइंट लेकर के आए हैं। ऋषांक देवाडी का ये पहला पॉइंट, काफी देर बाद ये पॉइंट आया है। सुरेंद्र काफी ज्यादा आगे आए, ये सुरेंद्र की खूबी भी है, उनकी खामी भी है। मोनू के लिए ये मुश्किल का समय तो था लेकिन सुरेंद्र ने उसे आसान बना दिया। बाल बाल बच गए क्योंकि फजल को टच करने की कोशिश पहले मोनू ने की थी, अगर कहीं वो टच हो जाता। ये देखिए फजल पहले बचे हैं, वरना ये दोनों मेन डिफेंडर चले गए थे। मोनू इतने करीब थे मिड लाइन के और लॉबी के अंदर थे, उन्होंने अपने मोमेंटम को हल्का सा शिफ्ट किया और कामयाब हो गए। सुरेंद्र सिंह ने कहा कोर्ट से बाहर जाइए ऋषांत भाई। दूसरे हाफ की पहली ही रेड में यू मुंबा के डिफेंस ने अपना जलवा दिखा दिया। ये देखिए किस तरह से सुरेंद्र ने एकदम नीचे झुकते हुए डाइव किया और ऋषांक देवाडिगा का जो कॉन्फिडेंस है उसे थोड़ा सा खिलाया जरूर। दूसरे हाफ की कहानी क्या बदली हुई हो, पिछले सीजन में देखिए इनके आंकड़े, दूसरे हाफ में 50% और 65% का स्ट्राइक रेट है। और कहे ये लीजिए यंग चैन को पहले उनके टो टच से बचे थे, उसके बाद डैश कर दिया उन्होंने। इस सीजन में यंग चैन को ने भी पॉइंट्स का खाता खोल लिया है। हाई फाइव लगा चुके हैं ये पिछले सीजन में जयपुर पिंक पैंथर्स के खिलाफ और यहां देखिए किस तरह से पूरी तरह से डैश किया। पहले अपने आप को टो टच से बचाया और उसके बाद काम पूरा कर दिया। ऋषांक देवाडिगा की वापसी से बहुत मजबूती मिली और ये देखिए किस तरह से अपने आप को जड़ के साथ वापस खींचा को टच किया और निकल गए। बड़ा शिकार किया, सिर्फ दूसरा ही पॉइंट है लेकिन फजल टेम्प्ट होते हैं। फजल के पास मत जाइए, इनको अपने पास बुलाइए, एक चतुर रेडर की यही निशानी है। डू ओ डाई रेड, जहां पॉइंट नहीं मिला तो स्कोर 23-22 हो जाएगा। एक एक रे होता। उधर सुमित ने गलती की, इधर रोहित बालियान को टैकल में जाने की कोई जरूरत नहीं थी। रोहित बालियान ने एक जीवन दान दे दिया कहा जा सकता है। सब्स्टिट्यूशन यूपी होता, प्लीज कम। प्रेशर होता, डाइव किया था एंकल के लिए लेकिन हाथ कुछ भी नहीं आया। तकरीबन यूपी के हाथ में ये मुकाबला आ चुका है, 10 सेकंड बाकी हैं, आराम के साथ निकालेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं और इसके बाद कोई रेट नहीं आएगी। मुकाबला यहीं पर खत्म होगा। यूपी योद्धा के हक में एक शानदार जीत। यूपी ने वीवो प्रो कबड्डी में लगातार तीसरी बार यू मुंबा को हराया है, 2 बार सीजन 6 में हराया था और
सीजन 7 में यूपी की पहली जीत है।